जैसे कि आप सबको पता है, झारखंड विधानसभा चुनाव प्रक्रिया का आज अंतिम चरण है और वो भी आज राज्य में गिनती, मतगणना की गिनती हो रही है और मतों की गणना के बाद जो राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है, उस जनादेश का हम राज्य के मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं। आज यहाँ उपस्थित हमारे साथ आपके इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहाँ के प्रभारी आरपीएन सिंह साहब, मंत्री उमंग सिंघार जी, अजय शर्मा जी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक सर्वजीत पासवान जी के तरफ से आज के इस जनादेश को प्राप्त करने के लिए महागठबंधन के सभी वरिष्ठतम नेता आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, जिन लोगों ने हम पर विश्वास जताया है, उनको भी हम अपनी ओर से बहुत आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आज चूंकि मतगणना में थोड़ी सी अभी कुछ विलंब है, कुछ एक सीटें अभी भी वहाँ पर गिनती जारी है और जैसे अभी तुरंत हमें पता चला है कि महागठबंधन को 47 सीटें मिली है 81 सीटों में से, और जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ हम लोगों ने महागठबंधन बनाया था और जिस तरीके से हम लोगों ने चारों खाने बुलेट प्रूफ रणनीति बनाई थी, उसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में करारी हार देखने को मिला। जिस तरीके से हम लोग महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, उसी प्रकार हम सभी लोग मिलकर आगे सरकार बनाने की कवायद को बढ़ाएंगे और इस राज्य में मजबूत महागठबंधन की सरकार स्थापित की जाएगी और राज्य के जन आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद सर। बस अब हम लोग बैठ के निर्णय करते हैं, बैठेंगे, हम लोग को बैठने भी दीजिए थोड़ी देर, उसके बाद क्या बहुत जल्द अब, क्योंकि अब संविधान के तहत हमें भी कहता है कि अब प्रक्रियाओं को जल्दी जल्दी पूरा करना है, तो अब जल्दी जल्दी पूरा करेंगे ही। आज मतगणना संपूर्ण होने दीजिए, अब आज तो जा नहीं सकते बिकॉज अभी मतगणना अभी जारी है। अब मतगणना पूरा होगा, मतगणना पूरा होने के बाद हम लोग कल इस विषय पर आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया, ये भी जानकारी नहीं है। दे दिया है। अच्छा 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 सवाल है, क्योंकि आप सरयूराय भी चुनाव जीत चुके हैं और घोषित रूप से उन्होंने आपके पार्टी का प्रचार भी किया था दुमका में, क्या ऐसा इरादा है सरयूराय को जेएमएम में लेने का? देखिए, सरयूराय जी ने जो कदम उठाया निश्चित रूप से काफी साहसिक कदम था,
और ये चुनाव में लड़े और विपक्ष के कई जगह और व्यक्तिगत लोगों के सहयोग में भी वो पहुंचे, ये बात सही है। उन्होंने इस चुनाव को और इंटरेस्टिंग बनाया और उनको जीत के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। और रही बात सरकार में शामिल, गठबंधन में शामिल, इस विषय पर अभी किसी तरीके की चर्चा हम लोगों के बीच में नहीं हुई है। जब ये विषय आएगा चर्चा पे तब आप लोग को समझ बात रहे। मेरा सवाल सरकार या गठबंधन पे नहीं है, पार्टी को लेके। क्या आपके पार्टी में उन्होंने अघोषित रूप से तो आपके पार्टी का प्रचार किया ही है? नहीं, अभी मैंने कहा ना कि अभी हमारे पास ऐसी बातें किसी तरीके से नहीं आई है। जब आएगी तो वो बातें हम लोग बताएंगे आपको। गवर्नमेंट का क्या होता? अभी आरपीएन सर बाकी बातें रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इस इलेक्शन में आप लोगों ने बहुत भाग दौड़ की और हम लोग को भी कवरेज देने का काम किया, जबकि आप पर बहुत दबाव था। तो हृदय से आप सबको भी मैं हम सब की ओर से बधाई देता हूं। हेमंत जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने गठबंधन की जिस नेतृत्व से इस गठबंधन को जीत दिलाई है, मैं उनके पार्टी को और इस मौके पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आरजेडी के हमारे वरिष्ठ नेतागण को भी बधाई देता हूं। साफ तौर पे मैंने कहा था जब इलेक्शन शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 65 पार करें, उसी समय क्योंकि पूरे झारखंड में दौरा करने के बाद ये साफ तौर पे मैंने कहा था कि बीजेपी 25वीं पार नहीं की। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो आवाज़ झारखंड की जनता की तरफ से आ रही थी, तो हमें ये रिजल्ट एक महीना पहले ही मालूम। पर आपको हमेशा ये सवाल हमसे पूछते रहे कि क्या आपका गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा। 8 नवंबर को साफ तौर से आपको हमने ये घोषणा मिल के की थी और वो गठबंधन एक ऐसा मजबूत गठबंधन है। और मैं इस मौके पे वो जेएमएम के कार्यकर्ता हूँ, वो आरजेडी के कार्यकर्ता हूँ या कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने जिस लगन और मेहनत से और भाईचारा से ये चुनाव लड़ा है, मैं उनको सलाम करता हूँ। और उन लोगों ने जो मेहनत इस गठबंधन को दिलाने के लिए की है, मैं उन सारे वर्करों को, और भले गठबंधनों में बात करते हैं नेता नाराज़ हो सकते हैं, पर तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन और मेहनत से गठबंधन के विधायकों को जिताया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ सब देखिए, अभी हमने स्टेक नहीं किया है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, गठबंधन की बात मैंने कहा था, उचित समय पर उचित राजनीतिक जो कार्यक्रम होता है हम आपको बताएंगे। इस समय सरकार में क्या होगा जब हमारा डिस्कशन हो जाएगा, विस्तृत जानकारी बैठ के हेमंत जी, आरजेडी के हमारे नेतागण और हम फिर आपको देंगे। इस समय मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर झारखंड के वासियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जिन्हों देखिए, हम जो जो बातें करेंगे हम आपको साफ तौर से जब ये बातें हो जाएंगी, अभी तो हम सिर्फ झारखंड के वासियों को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सरकार बनने की जो फॉर्मुलेशन होगा आपको विस्तृत जानकारी उसको समय पे देंगे। नहीं देखिए, ये जो मुद्दे झारखंड के थे वही मुद्दे देश के मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, भूख से मौतें, ये जितने मुद्दे हैं ये झारखंड के भी मुद्दे हैं, देश के भी मुद्दे हैं। अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी इनको मुद्दे ही नहीं मानते। और हम आपको विश्वास दिलवाते हैं हेमंत सोरेन जी की तरफ से, अपनी तरफ से, आरजेडी की तरफ से, जो जो हमने वादे आपको किए उनको हम पूरा करने के लिए जो भी कदम उठाना होगा उनको पूरा अवश्य। सब देखिए, अभी सब अब अभी शपथ तो होने दीजिए, उसके बाद ये सब कार्रवाई होगी। सब आरजेडी वाले, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रेशर रहते हुए भी
हम लोगों को आप लोगों ने सपोर्ट किया, सहयोग किया, और सर्वप्रथम मैं गठबंधन के नेता माननीय हेमंत जी को बधाई देता हूं कि इनके नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ी गई और इनके नेतृत्व को झारखंड के लोगों ने स्वीकार किया। इसके लिए यहाँ के तमाम जनता को बधाई देते हैं कि इनके नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि जो आंदोलन से झारखंड के आंदोलन से उपजे हुए, जो झारखंड के आंदोलन का जो लड़ाई लड़े माननीय शिबू सोरेन जी, उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में महागठबंधन की चुनाव हुई और तमाम कांग्रेस के लोग अमरजीत सिंह जी को जो झारखंड के प्रभारी हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इन्होंने भी झारखंड के प्रभारी की भूमिका महत्वपूर्ण निभाई इन्होंने। और तमाम जगह जो हम लोगों ने जो पार्लियामेंट चुनाव में जो गलती की थी, उस गलती को हम लोगों ने उसको माने वो गलती को सुधारने का काम किया कि तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, तमाम का गठबंधन एक बहुत पुत्र गठबंधन बनी और सब लोगों ने ग्रास रूट पर आकर के लोगों ने सहयोग करने का काम किया। इसीलिए तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं कि जितने भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग तन मन धन से अपना काम किए, लगन से काम किए, जिसका परिणाम आज देखने को मिला। इसके लिए मैं गठबंधन के नेता को पुनः बधाई देता हूं कि इन्होंने इनका नेतृत्व जो है झारखंड के लोगों ने स्वीकार किया। लालू जी की ओर से लालू जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के MLA हैं, तो बधाई है, तभी तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसको बधाई ही मानते हैं। और साथ साथ बधाई दिए, साथ साथ हम देश के बेरोजगारी का मार झेल रहे देश के करोड़ों युवा को हम आपके माध्यम से बधाई देते हैं कि यह जो देश में गरीब युवा तत्वा के जो लोग हैं, जो बड़े पैमाने पे देश में बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, उन्होंने बहुत उचित समय पे बहुत उचित फैसला लिया है। और हम लोगों के साथ ही माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सरकार बनाने में जो सहयोग किया है, हम अपनी ओर से RJD की ओर से, महागठबंधन की ओर से, इस देश के और झारखंड के तमाम युवा साथी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस राज्य को बेहतर दिशा देने के लिए और हमारी सोच के अनुरूप अपने विचार रखने वाले लोग अगर सरकार को सहयोग करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है।